नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप। और वक्त हो गया है बॉलीवुड की ताज़ा चटपटी और मसालेदार खबरों से रूबरू होने का। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत बॉलीवुड की खास खबरों के साथ। काजल साड़ी बिंदी में तुम, हिंदी जैसी सरल सी तुम। बताइए मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, सही पहचाना आपने, हमारी सुपर वुमन अनुपमा। भाई शो में तो हमें बड़ा मजा आ रहा है काव्य और अनुपमा का टशन देखकर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ कौन हारा और कौन जीता। चल पड़ा वनराज का कैफे, तो वहीं समधन आई नया ट्विस्ट लेके। वाह भाई, वनराज के कैफे को शुरू हुए हफ्ते भी नहीं हुए और भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। देखो तो जरा वनराज का कैफे कितना भरा भरा लग रहा है। लेकिन ये कैफे के प्रमोशन का कमाल नहीं है, बल्कि राखी का कमाल है, जिन्होंने आते के साथ ही सबको 440 का झटका दे दिया है। भाई राखी दवे का काम तो यही है कि लोगों के ऊपर अपनी मर्जी चलाना, और राखी फिलहाल वही कर रही है। राखी वनराज की बेइज्जती कर रही है उन्हें पैसे देकर। हालांकि वनराज भी स्वाभिमानी है और उसने अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दिया और राखी को उसके पैसे वापस लौटा दिए। लेकिन काव्या वो कहां किसी की सुनने वाली है। अगर यहाँ राखी शेर है तो काव्या सवा शेर है, और उसने इस बात को प्रूफ भी कर दिया राखी से पैसे वापस लेकर। अब राखी जो तमाशा करने आई थी वो तो करके चली गई, लेकिन अब देखना ये होगा कि राखी नाम के बॉम्ब से बचने के लिए वनराज कौन सी नई तरकीब अपनाएंगे। देखिए, अगर मेरी आवाज अच्छी होती और मुझे गाना गाना आता तो आज मैं ये गाना जरूर गुनगुनाती। गुम है किसी के प्यार में हाय दिल सुबह शाम, लेकिन सुर ही नहीं लगते तो क्या करें। बट यू गेट द फीलिंग। वो क्या है ना, सीरियल का नाम इतना रोमांटिक है और साथ में मौसम भी इतना रोमांटिक है, तो गाना तो बनता है। खैर, अब गाने की बात बहुत हो गई, अब जरा सीरियल की बात कर ले। सीरियल में ऐसा क्या हुआ कि विराट ने पाखी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। देखिए, पाखी की ये बात आप जान लीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मतलब जो रिश्ता पूरा ही नहीं हो सकता, उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा। क्या विराट अब पाखी की हरकतों से परेशान हो गया है? क्या पाखी की हरकतें उसे इरिटेट करती हैं? अब लगता तो कुछ ऐसा ही है, तभी तो पाखी के मुंह पर विराट ने दरवाजा बंद कर दिया। विराट कभी ऐसा नहीं कर सकता है, पाखी सोच भी नहीं सकती थी। अब बस यही सोच सोच कर उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही है। अब जब तक पाखी ये नहीं मान जाती है कि विराट उसका नहीं बल्कि सई का पति है, और पति पत्नी का पूरा हक होता है एक दूसरे का साथ देने का, लेकिन पाखी इन बातों को नहीं समझती है। वो तो अब विराट का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पाखी की उम्मीद विराट ने तोड़ दी है, ऐसा उसके मन में अभी चल रहा है। वैसे तो कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी की फिल्म मीमी के ट्रेलर ने इनके फैंस के बीच फिल्म के लिए एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही भर दी थी। फैंस ऐसा अंदाजा तो जरूर लगा रहे थे कि इस फिल्म में इमोशन और कॉमेडी दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अनाउंसमेंट से 4 दिन पहले ही मीमी के डायरेक्टर्स ने दर्शकों के लिए एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया। लेकिन क्या फिल्म की कहानी ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतर पाई या नहीं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने इस फिल्म के लिए सैरोगेसी जैसी संजीदा और टैबू माने जाने वाले टॉपिक को चुना है। फिल्म में मिमी यानी कि कृति सैनन एक डांसर है और वो हमेशा बॉलीवुड में जाने के सपने देखती है, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो बॉलीवुड में जा सके। और वहीं दूसरी ओर एक अमेरिकी कपल एक सैरोगेट मदर की तलाश कर रहा है। उस अमेरिकी कपल की मुलाकात भानु यानी कि पंकज त्रिपाठी से होती है, जो उन्हें मिमी से मिलवाता है। भानु मिमी को पूरा प्रोसेस समझाता है और बदले में 20 लाख रुपए मिलने की बात भी बताता है। मिमी अपने बॉलीवुड जाने के सपने को पूरा करने के लिए सैरोगेट मदर बनने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो घर वालों को बिना बताए 9 महीने कोख में बच्चे को कैसे पालेगी। तो यहाँ उसका साथ देती हैं शमा यानी कि साई तमनाकर। शमा और भानु मिमी की प्रेगनेंसी के हर मोड़ पर उसका साथ देते हैं, लेकिन अचानक एक दिन डॉक्टर बताती है कि मिमी के कोख में पल रहा बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, और ये सुनकर अमेरिकी कपल बच्चा लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब मिमी को इस बात का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
बौखलाई मिमी अपने घर वापस चली जाती है, जहां उसकी माँ सुप्रिया पाठक और पिता मनोज पाहवा मिमी को प्रेग्नेंट देखकर चौंक जाते हैं। खैर, घर वाले उसे अपना लेते हैं और फिर मिमी के बच्चा होने तक उसका पूरा साथ देते हैं। आगे चलकर वो अमेरिकी कपल बच्चे को लेने वापस आते हैं, लेकिन मिमी उन्हें अपना बच्चा देगी या नहीं, ये जानने के लिए फिल्म आपको देखनी होगी। अगर जमीनी तौर पर सोचे तो किसी भी लड़की के लिए सैरोगेट मदर बनना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन मिमी इस बात के लिए आसानी से मान जाती है। उसकी प्रेगनेंसी फेज, समाज का विरोध, बच्चे के साथ माँ का जुड़ाव, ये सब बड़ी ही जल्दबाजी में बिना उसके इमोशंस दिखाए पार कर दिए गए हैं। फिल्म में कई जगह लगा कि कॉमेडी की धुन बेवजह बजाई जा रही है। हालांकि पंकज त्रिपाठी की कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल सही रही है, पर फिर भी फिल्म में एक सेंसिटिव और इमोशनल सीन में भी कॉमेडी की कोशिश नजर आई है, या यूं कहें कि डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने अपनी सहज और सरल डायरेक्शन के चक्कर में मिमी के इमोशन को गायब ही कर दिया है। कृति सैनन के काम पर कोई शक नहीं किया जा सकता, कृति ने अपने किरदार में शानदार काम किया है। वहीं पंकज त्रिपाठी के अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। इंटेंस हो या फिर कॉमिक सीन, पंकज ने हर सीन पर अपनी पकड़ रखी और सबका दिल जीत लिया। फिल्म में साई तमनाकर ने काबिले तारीफ काम किया है, उनकी मौजूदगी फिल्म का प्लस पॉइंट बनाती है। वहीं मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक के अभिनय की दाद देनी पड़ेगी। हालांकि सुप्रिया की एक्टिंग दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पर भी भारी नजर आई है। अगर बात करें फिल्म में गानों की, तो एआर रहमान के गानों ने सबका दिल छू लिया है। मिमी में एआर रहमान के गानों ने जादू भर दिया है। परम सुंदरी और रिहाई दे गाने ने मिमी के किरदार और उनकी भावनाओं को और भी निखार दिया। जहां परम सुंदरी गाने में मिमी के सपने की झलक दिखाई देती है, तो वहीं रिहाई गाना मिमी की भावुकता को जाहिर करती है। फिल्म के सीन्स ने जो काम नहीं किया, वो एआर रहमान के गानों ने कर दिखाया। जल्दबाजी के चक्कर में काम हुआ खराब। कुल मिलाकर कहा जाए तो मिमी के लिए जितनी उत्सुकता ट्रेलर देखने के बाद हुई, वो फिल्म देखकर शायद नहीं हुई। मिमी की कहानी सैरोगेसी पर मैसेज जरूर देती है, पर इसे पर्दे पर शायद और बेहतर तरीके से ढाला जा सकता था। फिल्म में सब्जेक्ट की गंभीरता की कमी नजर आई। जैसा कि मिमी के बारे में कहा गया था कि ये एक कॉमेडी ड्रामा है, तो फिल्म देखकर लगता है कि ये एक इमोशनल ड्रामा थी, जिसमें जल्दबाजी के चक्कर में दोनों का काम खराब कर दिए। अब शो में नहीं देखेंगी सुपर डांस की सुपर जज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी की। अब हाल ही में यह खबर सामने आई है कि शिल्पा ने शो से कन्नी कर लिया है, और अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि शिल्पा की जगह अब शो को कोई और जज करते हुए नजर आएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस का असर छोटे पर्दे के सुपरहिट डांस रियलिटी शो सुपर डांसर पर भी नजर आ रहा है। 19 जुलाई की रात राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शो की सुपर जज शिल्पा शेट्टी ने बड़ा फैसला लिया था। शिल्पा ने अपने डांस रियलिटी शो सुपर डांस 4 की अगले ही दिन होने वाली शूटिंग से एन मोमेंट पर कन्नी काट ली थी। वहीं आनंद फानंद में चैनल ने गेस्ट जज के साथ शो की शूटिंग को जारी रखने का फैसला लिया था। वहीं बीते हफ्ते शो में शिल्पा शेट्टी की जगह करिश्मा कपूर जज बनकर आई थी, और अब इस हफ्ते भी शिल्पा के शो में नजर आने का कोई आसार नहीं है। वहीं शो के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले वीकेंड भी शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर 4 से गायब रहेंगी। उनकी जगह एक नई सेलिब्रिटी जोड़ी जज बनेंगी, और ये जोड़ी है एक्टर रितेश देशमुख और उनकी एक्ट्रेस वाइफ जिनेलिया डिसूजा की। जी हाँ, इस वीकेंड रितेश और जिनेलिया शो के खास मेहमान होंगे। अब शिल्पा की गैर मौजूदगी में अनुराग बसु और गीता कपूर के साथ रितेश जिनेलिया के साथ शो की शूटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, और वहीं कहा जा रहा है कि रितेश और जिनेलिया भी सुपर डांसर 4 में नजर आने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। जब उन्हें शो के मेकर्स की तरफ से अप्रोच किया गया, तब उन्हें तुरंत इस ऑफर पर हाँ कर दी थी। रितेश जिनेलिया दोनों ही इस शो के बड़े फैन बताए जाते हैं। डांस के नन्हे धुरंधरों की गजब परफॉर्मेंस वो कई बार शो में देख चुके हैं, और अब जब उन्हें बच्चों के साथ शूट करने का मौका मिला है, तो वो तुरंत इसके लिए राजी हो गए हैं। शो से जुड़े सूत्रों की माने तो रितेश और जिनेलिया डांस स्टेज पर भी अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री का तड़का लगाएंगे। वहीं जिस तरह से राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस पर विवाद बढ़ता दिख रहा है, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि अब सुपर डांसर 4 से शिल्पा शेट्टी की छुट्टी हो सकती है। ये लगातार दूसरा हफ्ता होगा जब शिल्पा शेट्टी शो के सेट पर मौजूद नहीं रहेंगी। बीते दिनों राजकुंद्रा विवाद की वजह से शिल्पा शेट्टी को भी निशाने पर लिया गया था,
वहीं कुछ दर्शकों ने तो शिल्पा को शो छोड़ने तक के लिए कह दिया था। हालांकि शिल्पा ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, ना ही शो के मेकर्स की तरफ से कोई बयान आया है। ऐसी भी खबरें हैं कि शिल्पा अभी तक चैनल और शो के मेकर्स के साथ कोई संपर्क नहीं किया है। इसे सीधे तौर पर शिल्पा की एग्जिट का इशारा माना जा रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि अब अगले सीजन में ही शिल्पा वापसी कर सकती है। वहीं अब ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि शो से शिल्पा गायब हो सकती है और इसका सीधा असर सुपरहिट शो की टीआरपी पर भी पड़ सकता है। दरअसल शो में बच्चे के जबरदस्त डांस के अलावा शिल्पा की अदाओं को भी काफी पसंद किया जाता था। शो की पॉपुलैरिटी और टीआरपी की एक बड़ी वजह शिल्पा भी थी, लेकिन अब शिल्पा शो से गायब हैं और उनके जल्द ही लौट आने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। बॉलीवुड की लैला यानी कि सनी लियोनी का जलवा आज भी बरकरार है। जी हाँ, सनी की अदाओं पर लाखों दिल फिदा है। बॉलीवुड की बेबी डॉल ने बॉलीवुड में आज अपना अलग मुकाम बनाया है। सनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वैसे तो सनी सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी पोस्ट की वजह से चर्चे में रहती हैं। अब हाल ही में सनी ने अपने घर की एक तस्वीर शेयर की है। आइए देखते हैं सनी की ये पोस्ट। सनी लियोनी बिना गॉडफादर के बॉलीवुड में आई और अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड में अपनी पहचान अपने दम पर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। वहीं सनी की पॉपुलैरिटी भी हमें आपको बताने की अब जरूरत नहीं है। सनी के लाखों फैंस हैं। फैन फॉलोइंग का नजारा हम कई बार भी देख चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से सनी भारत छोड़कर अमेरिका चली गई हैं। हाल ही में तस्वीर शेयर कर उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है। सनी का लॉस एंजलिस में एक शानदार बंगला भी है। जी हाँ, सनी का लॉस एंजलिस में भी एक आलिशान घर है। सनी ने लॉस एंजलिस में अपने 36वें जन्मदिन पर लॉस एंजलिस में घर खरीदा था। सनी का नया बंगला बेहद ही आलिशान है। सनी ने अपने इस नए घर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और गणेश जी की मूर्ति थामकर सनी ने घर में गृह प्रवेश किया था। सनी का ये घर शर्मन ओक्स में स्थित है। शर्मन ओक्स बेल्वी हिल्स सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। बता दें कि बेल्वी हिल्स में हॉलीवुड के नामचीन सितारों का घर है। सनी लियोनी के घर में 5 बेडरूम, एक स्विमिंग पूल, होम थिएटर, एक गार्डन और एक आउटडोर डाइनिंग एरिया भी है। घर लेने के बाद सनी के पति डैनियल ने कहा, सनी और मैं इस घर को बहुत दिनों से लेना चाह रहे थे। हमने इस घर की सजावट के लिए इटली, स्पेन और रोम से सामान खरीदा है। ये घर हमारी पर्सनालिटी और पसंद को दिखाता है। सनी का घर हरी भरी वादियों में है। घर में लंबा चौड़ा लॉन है। घर की बालकनी से बहुत खूबसूरत नजारा भी दिखता है। सनी का घर शहर के बीचों बीच करीब 1 एकड़ में है। जब सनी ने एक घर खरीदा था तब उन्होंने कई मेहमानों को भी बुलाया था। सनी के घर को उन्होंने अपने हिसाब से डेकोरेट कराया है। वो जब भी AL जाती हैं अपने ही घर में रुकती हैं। सनी के इस घर की कीमत भी करोड़ों में है। खैर, अब सनी का नाम आज सुपरस्टार्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। बॉलीवुड में अपने तमाम गानों के लिए मशहूर सिंगर KS चित्रा आज हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। चित्रा के कई गाने आपने जरूर सुने होंगे, जिसमें बॉम्बे फिल्म का मशहूर गाना गुमसुम गुमसुम गुपचुप गुपचुप है, जो कि फिल्म मणि रत्न से बनाई गई है और इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया था। आज के इस चित्रा का जन्मदिन है, तो इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनके सिंगिंग सफर के बारे में। सिंगर का जन्म 27 जुलाई 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। चित्रा के माता पिता टीचर थे, जहां चित्रा के पूरे परिवार में गाने की परंपरा थी। चित्रा के पिता कृष्ण नायर ही उनके पहले गुरु बने। चित्रा ने मन लगाकर गाने गाने की ट्रेनिंग ली, जहां बचपन से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। 1979 में चित्रा ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। फिल्म थी अट्टहासम। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। चित्रा की आवाज है बेहद खास। चित्रा के बारे में शुरुआत से कहा गया है कि उनकी आवाज कोई नहीं भूल सकता। इसका मतलब आपने चित्रा की आवाज का गाना एक बार सुन लिया तो आपको उनका गाना पूरा याद हो जाएगा। सिंगर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जीवन में किसी की भी कभी कॉपी नहीं की, जिस वजह से उनकी आवाज सबसे अलग है। जहां 80 के दशक में उन्होंने तेलुगु में अपना डेब्यू किया, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चित्रा ने अब तक 6 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आसामी, पंजाबी और बंगाली समेत उड़िया जैसी कई भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गाए हैं।
सिंगर चित्रा अब एक नए गाने की तैयारी कर रही हैं। केएस चित्रा की एक आदत है, वो हमेशा हंसती रहती हैं। भले ही वो गाना गा रही हो या अपने दोस्तों से बात कर रही हो, वो खुद कहती हैं कि बचपन से मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान रही है, मैं बचपन से हंस रही हूँ। द हिंदू से बात करते हुए सिंगर ने बताया था कि उनकी मुस्कान ही उनकी ताकत है जो उन्हें आगे लेकर आई है, क्योंकि आपका हंसता खेलता चेहरा लोगों में उमंग भरता है और चीजों को और भी खूबसूरत बनाता है। बॉलीवुड की लवली गर्ल दीपिका पादुकोण वैसे तो हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब हाल ही में दीपिका ने हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में भी एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगी और इसी वजह से दीपिका सुर्खियों में बनी है। देखिए इस रिपोर्ट में दीपिका की अपकमिंग फिल्म के बारे में। ये पहली बार है जब दीपिका पादुकोण भारतीय स्क्रीन पर इस लेवल का एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगी, जिसकी कुछ झलक हमने उनके बड़े हॉलीवुड डेब्यू XXX रिटर्न ऑफ डेंजर केस में देखी थी। दीपिका पहली बार भारतीय सिनेमा में अपना एक्शन अवतार ला रही हैं। एक पूर्व एथलीट होने के नाते उनका बॉडी फ्रेम एक्शन करने के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए उन्हें पठान में इस अवतार में देखना निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होने वाला है। दीपिका ने हॉलीवुड आउटिंग XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस में अपने पावर पैक्ड एंट्री सीन से अपने प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया था। फुल स्प्लिट से लेकर हथियारों से खेलना और गुंडों के साथ लड़ाई तक उन्होंने प्रशंसकों को हैरान कर दिया था और अब वो भारतीय सिनेमा में उस रूप को फिर से पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दीपिका के करीबी सूत्र ने साझा किया, दीपिका फिलहाल पठान के लिए हाई ऑक्टेन एक्शन दृश्यों की शूटिंग कर रही हैं। वो उन्हें मुंबई में ही शूट कर रही हैं और दीपिका ने इसके लिए इंटेंस तैयारी की है। हालांकि सुपरस्टार ने पठान के सेट पर वापसी कर ली है, वहीं लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद से वो दो फिल्मों के बीच एक साथ काम करने में काफी बिजी है। दीपिका ने पहले पठान का एक शेड्यूल पूरा कर लिया था और साथ ही शकुन बत्र की अगली फिल्म के एक शेड्यूल की शूटिंग भी पूरी कर ली है। दीपिका के पास प्रभार के साथ नाग अश्विन की अगली फिल्म द इंटर्न रिमेक, महाभारत 83 और फाइटर के अलावा पठान और शकुन बत्रा की अगली फिल्म है। हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही रियल लाइफ के बाजीगरों के बारे में जो आज लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनकर सामने आए हैं। टीवी का चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। बहुत जल्द सीजन 12 का फिनाले होने वाला है। इस आखिरी मुकाबले में पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, शनमुख प्रिया, दानिश मोहम्मद, निहाल तारू जैसे कंटेस्टेंट्स बचे हैं, जिनके बीच अभी कांटे की टक्कर चल रही है। इंडियन आइडल का 12वां सीजन कई कारणों से सुर्खियों में बना है। ऐसे में शो के मेकर्स फिनाले को और ज्यादा खास बनाने की कोशिश में लगे हैं। 15 अगस्त को इस सीजन का विजेता मिल जाएगा। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि क्या ऐसे रियलिटी शो जीतने से इन सिंगर्स का करियर आगे बढ़ पाता है या वहीं थम जाता है? पहले सीजन के साथ प्रतिभागियों की बात करें तो इंडियन आइडल के साथ साथ सारेगामा पा और द वॉइस जैसे म्यूजिकल रियलिटी शो विजेताओं से कहीं ज्यादा नाम हारने वालों ने कमाया है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ सिंगर्स के बारे में जिन्होंने रियलिटी शो तो नहीं जीता लेकिन जीतने वालों से ज्यादा शोहरत हासिल की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नेहा कक्कड़ का। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से इंडियन आइडल के जजों के पैनल में रह चुकी नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल 2 में बतौर कंटेस्टेंट आई थी। उन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी लेकिन खिताब नहीं जीत सकी। आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नेहा बॉलीवुड की सबसे कामयाब सिंगर्स में से एक है। वहीं इस लिस्ट में अरिजीत सिंह का नाम भी शामिल है। अरिजीत सिंह साल 2005 में आए सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल का हिस्सा थे। श्रेया घोषाल की तरह संजय भंसाली ने इस शो के मंच पर उनकी आवाज को नोटिस किया और उन्हें काम की पेशकश की। मोह मोह के धागे की सिंगर मोनाली ठाकुर भी बॉलीवुड की बेस्ट सिंगर्स में से एक है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोनाली साल 2005 की इंडियन आइडल में टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में से एक थी। हालांकि वो टॉप 8 में जगह नहीं बना सकी लेकिन आज भी वो नेहा की तरह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अंतरा मित्रा, दर्शन रावल, अरमान मलिक जैसे सिंगर्स भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने संगीत रियलिटी शो में भाग लिया लेकिन खिताब नहीं जीत सके। आज वो इन शोज के विनर से कहीं ज्यादा फेमस है और नाम कमा रहे हैं। वहीं अरमान मलिक कहते हैं
एक बात हमेशा याद रखें कि असफलताओं के बाद भी अगर आप हिम्मत रखते हुए मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन पक्के तौर पर सफल जरूर होंगे। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। एक सफल आदमी की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी के बारे में कोई बात नहीं करता। अरमान मलिक आज इंडस्ट्री में पॉपुलर सिंगर्स में शुमार है। उन्हें बोल दो ना जरा और मैं रहूं या ना रहूं जैसे गानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो हम खुश हैं कि हम मुंबई वापस आ गए हैं, हालांकि यहाँ पर भी कुछ सीमाएं तय हैं और हमें कुछ पाबंदियों के साथ शूटिंग करनी पड़ रही है, लेकिन हम बढ़िया और बड़ा फिनाले प्लान कर रहे हैं। जैसा कि हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो भी अच्छा गाते हैं, फिनाले में सभी जज होंगे और फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग भी शामिल होंगे। टीवी की नागिन, जी हाँ सही समझे, हम बात कर रहे हैं मौनी रॉय की, जो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर तय कर चुकी हैं और अक्सर मिस मौनी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में मौनी की ये वायरल तस्वीर। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बेहद हॉट फोटो शेयर किए हैं, जिसमें वो येलो कलर के डीप नेक और ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आ रही है। मौनी ड्रिबलिंग आउटफिट में कातिलाना पोज दिखती नजर आ रही हैं। मौनी ने फोटो के साथ कैप्शन में फैंस को एक चैलेंज भी दिया है। मौनी ने लिखा, मुझे 8 बजे नाश्ते के लिए बहुत भूख लगती है, मुझे थिएटर पसंद है इसलिए कभी मैं लेट नहीं होती, मैंने पूरी तरह जाकर एक किताब पढ़ ली इसलिए। फैंस को इस फिल इन द ब्लैंक को भरना है। मौनी ने इसके बाद सेम ड्रेस में कुछ और फोटोज पोस्ट की, इसमें उनका अंदाज काफी बोल्ड नजर आ रहा है। इससे पहले मौनी रॉय ने अपनी बेस्ट फ्रेंड मंदरा बेदी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थी। मौनी मंदरा का हौसला बढ़ाती नजर आई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को शेयर कर कैप्शन में लिखा, मेरी मजबूत बच्ची। मौनी का ये पोस्ट भी खूब वायरल हुआ था। अगर बात करें मौनी के बॉय फ्रेंड की, तो मौनी जल्द ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली है। इस फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी है। वहीं पिछले साल मौनी की वेब सीरीज लंदन कॉन्फिडेंशियल रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। बता दें कि सीरियल नागिन ने मौनी को काफी पॉपुलर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में एंट्री मिली। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़े बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सी, हर खबर मिलेगी बॉलीवुड गपशप पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।